ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। हमारी कुलदेवी जगदम्बा योग माया महामाया आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से हम कुलदेवी देवता की साधना शुरू करवाने वाले हैं। ये साधना 15 दिवसीय होगी। इस साधना के विषय में कल हमने एक वीडियो डाला था और आज अभी तक 18 लोग जुड़ चुके हैं इस साधना को करने के लिए। जो भी व्यक्ति ये साधना करेगा उसके घर में कितने कुलदेवी देवता हैं ये हम उन्हें बताएंगे। इस साधना के माध्यम से उनके घर के कुलदेवी देवता को प्रसन्न कराएंगे, उनके घर के कुलदेवी देवता की शक्ति को धाम की शक्ति से जोड़ेंगे। यदि वो व्यक्ति गांव न रह के परदेश रहता है तो कुलदेवी देवता की शक्ति को परदेश में भी जोड़ेंगे। कुलदेवी देवता आपके वो रक्षक हैं कि जब तक ये आपके घर पे हैं किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में आ नहीं सकती। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई मकान बना है, उसमें दरवाज़ा नहीं है और न तो कोई रहता है, तो उस घर की हालत क्या होगी? कोई भी कुत्ता बिल्ली जानवर मनुष्य कोई भी जाएगा वहाँ पे गंदगी फैलाएगा, गंदा कर देगा ना। ठीक उसी प्रकार जब आपके घर के आपके कुल के रक्षक ही आपके कुल देवता ही आपके घर पे नहीं है, आपसे रुष्ट होके चले गए हैं, तो आपके घर का तो दरवाज़ा खुल गया है। कोई भी दो टके का ऐरा गैरा भूत डायन चुड़ैल जिसे डांट दो तो इनकी पैंट गीली हो जाए, इस प्रकार की ऊर्जा भी आपके घर में शेर बन के चली आती है। कोई भी आ जाएगा आपके घर में, कुल देवी देवता रुष्ट रहते हैं तो व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। कुल देवी देवता के अभाव में घर में क्लेश होता है, अनबन होता है, पैसे में बरकत नहीं होती। आप कमा रहे हो लेकिन पैसा कहाँ चला जा रहा है आपको पता नहीं चलता। घर में कोई न कोई सदस्य बीमार रहने लगता है या तो घर में कोई न कोई सदस्य कोई न कोई नशा करने लगता है। नौकरी छूटती रहती है, व्यापार ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि घर के कुल देवी देवता का सीधा संबंध आपसे है। जब ये प्रसन्न रहते हैं और इनकी शक्ति धाम की शक्ति से जुड़ा है, ये आपके ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं तो आपकी बरकत होती रहती है, आपके घर में प्रेम बना रहता है, संतुष्टि बनी रहती है। घर में चारों कोने बराबर रहते हैं लेकिन जब यही नहीं रहते तो भूत प्रेत जिन्न मसान जैसी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, पड़ोसियों की भी ऊर्जा आ जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को शमशान बना देते हैं, फिर वही क्लेश किचाहीन किच किच पैसा नहीं है, नाना प्रकार की दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। बीमारी लगी है, बरकत नहीं हो रही है, नाना प्रकार की दिक्कतें आना शुरू हो जाते हैं। तो अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करें, अपने कुल देवी देवता के विषय में जाने और उन्हें एक साल पे या तीन साल पे उन्हें पूजा देना शुरू करें। ये सारा विधि विधान हम इस साधना में आपको बताएंगे, सिखाएंगे, आपके कुल देवी देवता को प्रसन्न करेंगे। यदि आप गांव में नहीं रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो आपके कुल देवी देवता की शक्ति को धाम की शक्ति से जोड़ के उस धाम की शक्ति को आपसे जोड़ देंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक सुरक्षा चक्र बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पितृ भी भूत हैं, आपके पितृ आपके घर की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पितृ पड़ोसी के घर में जाते हैं तो भूत हो जाते हैं, पड़ोसी के पितृ आपके घर में आते हैं तो भूत हो जाते हैं। तो आपके पितृ किसी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक भूत भूत को कैसे रोकेगा। उल्टा ये होगा कि आपके पितृ उनके घर में घूमने जाएंगे, अगर उनके घर में नहीं घूम पाएंगे तो उनके सबके भूत ला के अपनी मंडली जमा के आपके ही घर में बैठेंगे, भूतों की मंडली बन जाती है आपका घर, शमशान बन जाता है आपका घर, नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। साधना में सफलता नहीं मिलती, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत नहीं होती, अंदर से कमजोर होते जाते हो, मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हो और कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं जिस घर के। ऐसे व्यक्ति गाली गलौज बहुत करते हैं, बड़े छोटों का सम्मान ही नहीं करते हो, शिक्षा में मन नहीं लगता है, बरकत नहीं होती है। तो इसलिए अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करो। कुल देवी देवता रक्षक के रूप में आपके घर पे खड़े हो जाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, नकारात्मकता खत्म होगा, तंत्र बाधा खत्म होगा और आपका जीवन सुखमय होगा।
और यदि आपके घर में कोई प्रयोग भी होना होगा तो आपके कुल देवी देवता को हटाएंगे तो धाम की शक्ति आ जाएगी, और धाम की शक्ति से बड़ी ओझा तांत्रिक की शक्ति नहीं होती है, समझ लेना ये बात। तो जिसे भी कुल देवी देवता की साधना करनी है, नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, फ़ोन कॉल करके जानकारी ले सकता है, साधना में जुड़ सकता है और अपने कुल देवी देवता के विषय में जान सकता है, उन्हें प्रसन्न कर सकता है, उनका आशीर्वाद ले सकता है। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कुल देवी देवता की साधना करने के बाद आपके जीवन का ग्रोथ न बढ़ जाए तो आप हमसे कहना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।